हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप हमारे वेब पोर्टल फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प डॉट आर जी पर अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हो बिजनेस के लिए। सबसे पहले हमारे आप वेब पोर्टल पे जाइए, फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प डॉट ओ आर जी पर आप एंटर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होंगे रजिस्टर करने के लिए, साइन इन करने के लिए, एड लिस्टिंग करने के लिए। अगर आपने पहले रजिस्टर किया हो तो साइन इन पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करके आप अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आपको कंपनी नेम सबसे पहले फिलअप करना है, जैसे हम यहाँ पे फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प करते हैं। फ़ोन नंबर आपको वहाँ पे डालना है, फिर आपको वहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। फिर आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेब पोर्टल पे, आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। जो ओटीपी आपका आएगा उसको आप यहाँ पे एंटर करके अपने अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपका अकाउंट वेब पोर्टल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने अकाउंट में एंटर कर देंगे, वहाँ पे ऑप्शन होगा माई डैशबोर्ड का, ऑल लिस्टिंग का, ऐड न्यू क्वेरी का, क्वेरी जो आपके पास आती है, रिव्यू आते हैं, जो आप माई फॉर वेबसाइट वाला ऑप्शन होगा। तो फिर आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो जो वेब पेज आपका यहाँ पे बनेगा उसमें आप अपने जो बिजनेस का उसका हेडलाइन डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, किसी बिजनेस से रिलेटेड, फार्मा से हैं, आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, यहाँ पे हम जनरली उसको फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प डाल रहे हैं। आप आयुर्वेदिक कंपनी, फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, या आपको कंसल्टेंसी के लिए चाहिए तो वो डाल सकते हो, वो आप यहाँ डालेंगे। जैसे हमने सबसे फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प डाला, फिर हमने फार्मा बिजनेस ब्लॉग डाला कि हमारा ब्लॉग है ये, फिर आप पेज का टाइटल डालोगे वो भी हम यहाँ पे सेम ही डाल रहे हैं। उसके बाद जो मेटा कीवर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं जहाँ जिससे गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन पे आपका पेज सर्च हो सकता है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स है वो यहाँ पे आप डाल देंगे तो आपकी सर्च जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे डाला बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल, फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी लिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइसेज मैनुफैक्चरर्स, जिससे भी रिलेटेड हमें चाहिए क्वेरी वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो गूगल पे डिस्क्रिप्शन आती है सर्च इंजन पे, थोड़ी सी वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन आती है वो यहाँ पे डालेंगे तो आपकी जब भी सर्च आएगा तो वहाँ पे आपकी वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। नीचे आपके अपने बिजनेस के बारे में लिखिए, अबाउट अस की आपका क्या बिजनेस है क्या नहीं है उसके बारे में आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक डेमो के तरह आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं कि जो फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प टीम है, वुड लाइक टू हेल्प ऑल इंडिविजुअल एंड बिजनेस वो वांट टू स्टार्ट और ग्रो देयर बिजनेस इन फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक एंड अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन है, या दूसरे बिजनेसिज हैं, कोई भी इंडस्ट्री का बिजनेसिज है तो उसमें है। यहाँ पे अपनी स्पेशलिटी के बारे में आप बताएंगे कि आपके पास प्रोफेशनल टीम है, कितने प्रोडक्ट है, क्या आपको दूसरों से ज़्यादा बेस्ट बनाता है, वो अपनी कंपनी की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो वेब पेज है डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। एड लिस्टिंग में जाके आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने वेब पेज बना लिया, आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, जितने भी आपके प्रोडक्ट है सबको आप यहाँ से जाके लिस्ट कर सकते हो। जैसे हमने प्रोडक्ट का नाम ABC डाल दिया, उसका यहाँ पे प्राइस डाल दिया, यूनिट पीस में है, लोट में है, थर्ड पार्टी करते हो, PCD देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर देते हो, या फिर आपको कंपनी चाहिए, जो भी है आपका वो यहाँ से डाल सकते हो। अपनी यहाँ से कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कैटेगरी में आपका पड़ता है, आप फार्मा कंपनी हो, आयुर्वेदिक कंपनी हो, यूनानी लेबोरेटरी हो, आप रॉ मटेरियल में डील करते हो, फूड सप्लीमेंट में डील करते हो, जो भी प्रोडक्ट आपका जिससे रिलेटेड है उसका डाल सकते हो। हमने यहाँ पे टेबलेट है, कैप्सूल है, फिर कैप्सूल में डाल के हमने किया है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रेबीप्राजोल 20 mg को डाल रहे हैं कैप्सूल फॉर्म में। यहाँ पे अगर आपने कोई वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, यहाँ पे उसका फ्रेम डालोगे तो आपका वीडियो आपकी जब लिस्टिंग होगी यहाँ से आप कवर फोटो में जाके अपनी इमेज डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट की। नीचे आप एट्रीब्यूट में उसकी वैल्यू डाल सकते हो कि भाई आप स्पेसिफिकेशन डाल सकते हो, अलग अलग तरह की कंपनी का नाम डाल सकते हो, क्या स्पेसिफिकेशन है उसकी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो आप। जैसे कंपनी का नाम की तरह हमने डाला है फार्मा फ्रेंचाइजी GMP सर्टिफाइड कंपनी है। उसके अलावा आप यूज डाल सकते हो, भाई एंटासिड यूज है, एंटासिड में या कोई सा भी यूज है जिसका भी आप यूज कर रहे हो, किस इंडिकेशन के लिए यूज होता है, आप जितना डाल जानना चाहते हो उतना डाल सकते हो। यहाँ पे तो हम एग्जांपल के तौर पे डाल रहे हैं, आप डाल सकते हो कि फार्मा ग्रेड है या नहीं है, आप मेडिसिन में डील कर रहे हो या रॉ मटेरियल में डील कर रहे हो, पैकेजिंग क्या है, 10x10 है या क्या है, आलू पे 10x10 की पैकिंग डाली है, फिर आलू उसकी स्पेसिफिकेशन डाली है, प्रोडक्ट टाइप आपका क्या है, बॉक्सेज में है, कंटेनर में है, फिनिश गुड्स है आपका या इंटरमीडिएट है या रॉ मटेरियल है। अब आप यहाँ पे डाल सकते हो, टाइप में डाल सकते हो कि आपको PCD चाहिए, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए,
या क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो अपनी लिस्टिंग के साथ। उसके बाद आप उसको सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा आपका, और वो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे शो करेगी, वो वेबसाइट पे भी शो करेगी। आपको यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आपका ऑप्शन रहेगा। ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन नीचे भी दिया, और लिस्टिंग में जाके आप सारी लिस्टिंग डिटेल देख सकते हो, जो जो आपकी जितने भी प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग करोगे सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। माय प्रोफाइल में जाके आप अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको चेंज कर सकते हो। एडिट माय प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा कंपनी नेम और आपका यूजर नेम सेगा, और दोबारा उसको आप अपनी कंपनी नेम का डाल देना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, 2012 है, 14 है, जितना भी है यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे एड्रेस डिटेल में। आप मैनुफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, होलसेलर है, रिटेलर है, मार्केट है, उसके हिसाब से यहाँ डाल सकते हो। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंडिया है, फिर अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो किस सिटी में आपका बिजनेस है, और यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में आप कुछ भी स्पेसिफिकेशन डाल सकते हो, जो आपने वेबसाइट पे डाली है वही डाल सकते हो, या दूसरी भी डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप वेबसाइट का मैटर यहाँ पे डाल सकते हो, आपकी कौन सी वेबसाइट, जो आपकी पेरेंट वेबसाइट है उसकी डिटेल यहाँ पे डालोगे। गूगल प्लस बंद हो चुका है, ट्विटर और फेसबुक का आईडी डाल सकते हो, टर्नओवर डाल सकते हो, जो अगर गूगल मैप का फ्रेम है वो यहाँ पे कोड डालोगे तो गूगल मैप भी देगा। यहाँ से आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके डालोगे और सबमिट का बटन कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ये पूरी तरह आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद क्वेरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी क्वेरी आपके पास आया करेगी वो यहाँ पे आएगी, वो वेरीफाई है या नहीं है, वो सारी डिटेल, रिव्यू किसने आपके प्रोडक्ट को रिव्यू किया है। माय डैशबोर्ड पे जाके आप कंप्लीट दे सकते जाएँ, कितने रिव्यू आए, कितने क्वेरी आए, कितनी लिस्टिंग है, सारी डिटेल आप माय डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हो। फिर होम पे क्लिक करके अब हम जो भी आपने लिस्टिंग करी है, आपकी जिस भी सर्विसेज में आपने लिस्टिंग करी है उसके हिसाब से, जैसे फार्मास्यूटिकल में है आपकी जो भी लिस्टिंग है, जैसे ABC प्रोडक्ट की हमने लिस्टिंग करी थी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी आपको सर्च करेगा और क्यूट में डालेगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन, सेंड क्वेरी में भी आपको सारी डिटेल चली जाएगी, व्यू सेलर में भी जब वो करेगा तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे, पूरा पेज खुल जाएगा आपका व्यू सेलर में जाके। ये एक तरह से जो आपने वेबसाइट वहाँ पे बिल्ड करी थी उस तरह आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ये हम प्रोडक्ट ऐड किए हैं तो होम पे पेज पे होम पेज आ जाएगा, अब अबाउट अस में ये कंप्लीट आ जाएगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, जो भी आप वहाँ पे डालेंगे वो सारे प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो हमने स्पेसिफिकेशन कहा था कि स्पेशलिटी क्या है उसका आप डालोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगा, पूरा आपका मैप वगैरह जो आपने वहाँ पे कोड डाला था वो मैप आ जाएगा। तो इस तरह आपका वेब पेज गेट क्यूट पे कोई भी करेगा तो जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आपको क्वेरी सेंड कर सकता है, वो डायरेक्टली आपको जाएगी और किसी को नहीं जाएगी यहाँ से। तो इस तरह आपका पूरा जो सेटअप है, पूरा आपका लिस्टिंग है वो भामा फ्रेंचाइजी हेल्प ब्लॉग पे हो जाएगी आपकी।